क्वेश्चन क्वेश्चन इज थ्री चार्जेस फोर स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू एंड क्यू आर इन अ स्ट्रेट लाइन इन द पोजिशन ऑफ ओरिजन जीरो एल बाय टू एंड एल रेस्पेक्टिवली द रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू स्मॉल क्यू विल बी जीरो इफ़ क्यू इज इक्वल टू और क्यू के स्मॉल क्यू के टर्म में हमें आंसर देना है अगेन मुश्किल नहीं है सवाल सीनेरियो ये है कि ये आपके तीन चार्जेस रखे हुए हैं एक आपका जीरो या ओरिजन पे इसकी वैल्यू है फोर क्यू और यहाँ पे रखा है क्यू और यहाँ पे रखा है स्मॉल क्यू ये वैल्यू हो गई आपकी एल बाय टू और ये हो गया आपका एल बाय टू आगे ये डिस्टेंस हो गया इनके बीच में नाउ अपने को बताना है कि क्यू और स्मॉल क्यू में क्या रिलेशन हो सच दैट इसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो है तो इसके ऊपर नेट फोर्स जो है लिखना है हमने फोर्स नेट ऑन क्यू उसको हम लिख सकते हैं एफ़ वन प्लस एफ टू और इन दोनों का सम शुड बी इक्वल टू ज़ीरो अब इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं आ, इसके ऊपर फोर क्यू की वजह से फोर्स आएगा के फोर क्यू मल्टीप्लाइड बाय क्यू डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस इसकी वजह से फोर्स होएगा के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय एल बाय टू का स्क्वायर नाउ दिस शुड बी इक्वल टू जीरो इसको अगर हम एक्सपेंड कर देंगे इस आ, एक काम करते हैं ऑलरेट एक्सपेंड कर देंगे तो ये बनेगा फोर के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर और इसका फोर ऊपर चला जाएगा uh, इसको इक्वल टू ज़ीरो कर दें अच्छा इसको अगर हम इक्वेट uh, uh, कर दें इसको उस तरफ ले जाएं तो फोर के फोर के और एल विल गेट कैंसल और ये उधर चला जाएगा विच मीन्स क्यू इज़ इक्वल टू माइनस क्यू सो यहाँ पे हैंस क्यू विल बी इक्वल टू माइनस क्यू यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर